हेलो एवरीवन, मैं शुभम कुमार। मैं सिद्धू। मतलब दो अलग वर्ड को ज्वाइन करके क्या वाक्य बनाए। मैं सिद्धू, क्या परफॉर्मेंस है सर आपका। मतलब कि ऐसे ही प्रभास के फैन आज तक प्रभास भाई को मोटिवेट करते हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि सारी लड़कियों को मिलाकर भी उन्होंने जितने लड़कों का दिल नहीं तोड़ा रहेगा ना, अकेला बंदा प्रशांत नील ने सबका दिल तोड़ दिया। मतलब कि यार, जब से उन्होंने अनाउंस किया है कि सलार केजीएफ से लिंक नहीं है ना, क्यों तोड़ गया है? क्योंकि वो केजीएफ यूनिवर्स खराब नहीं करना चाहते ना। मतलब कि यार, साल खत्म होने से पहले ही सलार का ट्रेलर आ चुका है, तो आए गए तो देख लेते। चलो, दूर कहीं एक प्रांत में कौन है? अरे देवा, छोड़ना, जाने देना यार। बता मुझे, कौन है वो? एक अटूट गहरी दोस्ती थी। तेरे लिए शिकार भी बनूंगा, शिकार भी करूंगा, सिर्फ तेरे लिए। तू जब भी बुलाएगा मैं जरूर आऊंगा। ये कहानी 1000 साल पहले शुरू हुई। मोहम्मद गजनी और चंगेज खान से भी ज्यादा खूंखार डकैत थे। ये डकैत बहुत अरसे तक निर्विरोध राज करते रहे। उन्होंने खानसार के इस जंगल को किला बना दिया और इस खानसार को साम्राज्य बना दिया। यहां पे भी कुर्सी के लिए कूटनीति चलती थी। मेरे जिंदा रहते ही मेरे बेटे वरदराज मन्नौर को सरदार बनते हुए देखने की इच्छा है। राज मन्नौर के लौटते ही वरदा सरदार बनेगा। राज मन्नौर के लौटने तक अगर वरदा ही नहीं रहा तो क्या करेगा उसके साथ? नारंग रशियंस को लेके आया है। गुरुंग वाले सर्बियन आर्मी लाए हैं। अभी 700 लोग गेट पे एंट्री कर चुके हैं। इसके बाद कौन कौन आएंगे, कितने आएंगे नहीं पता। तू बोल, कितने लोगों को लेके आ रहे हैं हम? भाई बता मुझे। देवा, हमारी आर्मी किधर है? बड़ी बड़ी दीवारें बनाते हैं डर की वजह से, इसलिए नहीं कि कोई बाहर चला जाए, बल्कि कोई बाहर से अंदर ना आ जाए। We are all violent men. हमारे खून में ही वायलेंस है। कड़ों के लिए, टुकड़ों के लिए लड़ाई अब बस। मैंने कहा था ना, छूना नहीं। जो कुछ भी मेरी आंखों के सामने है, तूने सुना ना, वो सब मुझे चाहिए। तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। प्लीज। हाय काइंडली रिक्वेस्ट। क्या रिक्वेस्ट किया था भाई? ये सलार का मेकिंग तो अच्छा वीडियो था, ट्रेलर लगाओ भाई। भाई ट्रेलर ही था ये। अच्छा सॉरी, काफी ठंडा नहीं लगा? हाँ, ये ठंडियों के मौसम में आया ना। कुछ भी मतलब, मुझे लगता है कि प्रभास एक दिन बैठ के सोचते रहेंगे कि यार, बाहुबली के बाद मैं इतना बड़ा हीरो हो गया हूँ, तो जितने प्रोड्यूसर्स के पास पैसा रखा है वो जरा खाली करवाओ। तो उन्हें रातें शाम साओ जैसी फिल्म करने के बाद प्रोड्यूसर ढूंढना, किसके पास ज़्यादा पैसा है रे। तो भूषण भाई मिल गए थे, आदिपुरुष 600 करोड़ की मार दी। मतलब फिर उन्होंने सोचा कि अब मार्केट में कौन है, हम्बल है फिल्म, आओ
इधर आओ, कितना माल है, आओ उड़ाओ उड़ाओ। मतलब कि यार ट्रेलर देखने के बाद कहीं भी एक सीन नहीं था जहां पर हमें गूज बम फील होए, लेकिन हमारा बम ठंडियों में टाइट हो गया ऐसा लग रहा है। बीजीएम भी कुछ पावरफुल नहीं था। हाँ। प्रभास के एंट्री में भी बीजीएम पावरफुल नहीं था, पृथ्वीराज के एंट्री पे भी बीजीएम पावरफुल नहीं था। जहाँ पर हम शोर कर सके, हम एंजॉय कर सके, जिसे फेस्टिवल की तरह हम वेट कर रहे थे यार, लेकिन यार आप लोग ने टीजर डाल दिया था डायनासोर, बताया कुछ ऐसा और निकला कुछ ऐसा। ओवरऑल ट्रेलर की बात करो तो 4 मिनट के ट्रेलर में लास्ट के 2 मिनट में प्रभास को दिखाते हैं। उनको भी पता है ना यार पूरे ट्रेलर में नहीं दिखा सकते, वरना सब लोग बोलेंगे पूरा ट्रेलर ही खराब था। मतलब कि यार प्रभास अन्ना ने इस बार एक्सप्रेशन दे दिया है और एक गलती फिल्म मेकर ने सुधार लिया कि हिंदी में प्रभास से डब नहीं करवाएंगे, क्योंकि आपको तो पता है मैं जब मारता हूँ ना तो मारता नहीं खुश जाता हूँ। मतलब कहीं कहीं ऐसा भी आवाज हमें सुनाई दिया है। राधेश्याम, राधेश्याम तुझे कैसा लगा ट्रेलर? मैं तो यार मूवी के बाद ही बोलूंगा, मुझे ट्रेलर देख के ऐसा लग रहा है कि प्रभास का कैमियो हो सकता है। ओह, अगर कैमियो होगा तो फिल्म सुपर हिट हो जाएगी। मतलब कि लोगों को हीरो है ना यार, तो ज्यादा टाइम तक स्क्रीन टाइम देंगे डायरेक्टर, तो लोगों को लगेगा कि बार बार आ जा रहे, इसको हटाओ रे। मतलब कि थोड़ा सा टाइम रहेगा तो पब्लिक ओ ओ करेगी, लेकिन यहाँ पर ट्रेलर काफी फीका और ठंडा लगता है। ट्रेलर स्टार्ट होते ही मुझे ऐसा लगता है कि मैं टॉर्च लाओ क्या, क्योंकि काफी डार्क सीन से, लेकिन पृथ्वीराज को मतलब जिस हिसाब से प्रेजेंट करना था वो कर नहीं पाए कहेंगे, ऐसा लगता है। फीका था काफी ट्रेलर, फीका था, ना ही बीजीएम था, ना ही मतलब कुछ एंगेजिंग भी नहीं था। हाँ, और तुझे पता है शुभम यार केजीएफ का जैसा हाइप था वैसा हाँ, भी इसका था हाँ, पर वैसा प्रेजेंस नहीं हो पाया। ट्रेलर के अंदर जो मुझे अच्छी चीज देखने को मिलती है वो शायद फिल्म में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे तो नजर आया नहीं है, तो फिल्म का ही वेट करेंगे। तो अभी डंगी का ट्रेलर भी आना बाकी है, लेकिन रिव्यू भी आपको इसी चैनल पे मिलेगा, इसके लिए सब्सक्राइब कर दो यार। हमें किसी से हेट नहीं है, हम अन्ना से प्यार करते हैं और ये हमारा ऑनेस्ट रिएक्शन था। आप जो दिखता है वही बोलते हैं। वी लव प्रभास अन्ना बिकॉज वी नो देयर विल बी समथिंग इन मूवी, बिकॉज प्रशांत नील की फिल्म है भाई, जिसके अंदर कुछ तो अलग देखने को मिल सकता है, और हमें भरोसा है कि इस बार तो प्रभास अन्ना को डिफरेंट अवतार में देखेंगे। तो अगर आप भी सहमत हो हमारे बातों से और हमारे प्यारों से तो सब्सक्राइब कर दो यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।